मुखिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह जी, मुफ्ती साहब, मैं हाफिज शहजाद लखनऊ इंडिया से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बताइए जी। मुफ्ती साहब, पहले आपके लिए एक शेर है। मत सहल मुफ्ती मुनीर को जानो, फिरता है फलक बरसो। मत सहल मुफ्ती मुनीर को जानो, फिरता है फलक बरसो, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुफ्ती साहब, आप जैसी शख्सियत दुनिया में आना आसान है, बल्कि फलक बरसों जो है गर्दिश करता है, आप जैसी शख्सियत दुनिया में वजूद पाती है। अल्लाह, और जिसके नुमाया कारनामे दुनिया उसको याद करे, वो सिर्फ आप ही हैं। आपके कारनामे ऐसे हैं जो रहते दुनिया तक लोग याद करते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की अता फरमाए, दिन दोगुनी रात चौगुनी काम को भी तरक्की अता फरमाए, नजर बद से हासिदीन की हदत से दुश्मनों की अदावत से अल्लाह हिफाजत फरमाए। उसके साथ सवाल मेरा ये है, मुझे पढ़ाई का वो मेयार चाहिए जिससे सरकारी नौकरी मिलती, बल्कि उससे भी बढ़कर मेयार मेरे अंदर पैदा हो जाए। मुझसे मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, उर्दू से भी किया है मैंने, लेकिन मेरे अंदर वो सलाहियत, वो इस्तेदाद नहीं है जो होनी चाहिए। जज्बा और शौक तो है, लेकिन जब याद और भूल जाता हूँ तो फिर वो शौक जज्बा अहले करता हूँ तो एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता हूँ। और इसके लिए जो आपके वज़ाइफ हैं, मैं वो भी करता हूँ, या अलीम 150 मरतबा और या 21 मरतबा फजर और असर के बाद में, फर्ज नमाज के बाद में, या कभी 11 मरतबा ये भी पढ़ता हूँ। तो उसका मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी सलाहियत अल्लाह ताला मेरे अंदर पैदा कर दे कि जो कोर्स मैंने किए हैं से भी वो भी मेरे अंदर पैदा हो जाए, उससे भी बढ़कर के अल्लाह ताला मुझे इल्म बना दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाफिज शहजाद साहब इंडिया से कॉल कर रहे हैं। माशाल्लाह एज यूजुअल माशाल्लाह आपने आज शेर पेश किया और हमें वो डेडिकेट किया है, और हम इसको आपका उसने जन समझ के अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको हकीकत से बदले, वाकई हमें इस काबिल बनाए। और जैसे कि आपने इजहार मोहब्बत किया कि कारनामे रहते दुनिया तक याद रखे जाएंगे, वाकई अल्लाह तबारक व ताला जब वो इशाद दीन दिफा इस्लाम और ख़िदमत खलक के हवाले से अल्लाह हमसे ऐसे कारनामे ले और वाकई हमारे लिए अजीम सदका जारिया हो और आखिरत की मंडी में उसकी अजीम कीमत लगे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त मोहब्बत इनायती जिस तरह हैं ये कायम व दायम रहें, और इसी तरीके से आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो। तो माशाल्लाह आपने जिस अंदाज़ से इज़हार मोहब्बत किया है, अल्लाह इसको हकीकत से बदले, आमीन या रब्बल आलमीन। बाकी आपने अपने हवाले से जो सवाल किया है उसके लिए आज जो मैंने नाम पेश किया, इसमें हमीदी नंबर 26, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता किया गया है, ज़बरदस्त है। सरकारी नौकरियां मिलना, इसी तरीके के मनसब दुनिया के हासिल होना, जो उसके लिए के अंदर बड़ी ज़बरदस्त तासीर है, ये आप जो है वो वजीफ़ा शुरू कर दें, इसकी मैं आपको इजाज़त देता हूँ। ये 313 मरतबा रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दें। जो सरकारी नौकरी आप हासिल करना चाहते हो उसके लिए 313 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर एक एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, और जब उसके बाद जो है दुआ करें तो उसमें दुरूद इब्राहिमी उसके अव्वल आखिर के अंदर शामिल करें और अल्लाह से मांगें, तो नतीजा ये होगा इंशाल्लाह जो भी सरकारी नौकरी आप चाहते हैं इंशाल्लाह आपको इज्जत तो आफिज मिलेगी और आसानी के साथ वो मनसब आपको नसीब हो जाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला आपकी मोहब्बत की बरकत से और उसने जन की बरकत से आपको जो है जो भी सरकारी नौकरी आप चाहते हैं वो मिले, और बाकी आपने जो डिग्री हासिल किए हैं, जो आपने तालीमी मैदान में कामयाबियाँ पाई हैं, तो उनका भी बेहतरीन इम्पैक्ट जो है आपकी ज़िंदगी पर पड़े और आपको उसका नफ़ा अजीम हासिल हो, आमीन या रब्बल आलमीन।